नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता रिटन बाय सुषमा अग्रवाल जी। हमने देखा कि धनी मल जी एक सेब की पेटी, फ्रूट बास्केट, एक सेब की पेटी लेके आए थे जो अमित को नहीं अच्छा लगा, और वो आए थे क्या करने के लिए, वो अमित और सरिता को मिलने का दिन तिथि निश्चित करने आए थे, जिस दिन अमित और उसके घर वाले धनीमल जी के घर जाएंगे और सरिता को देखेंगे। तो आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी, विशेष मतलब स्पेशल वे से आज सब लोग, घर के लोग मेंबर्स बिजी थे। किस चीज के लिए बिजी थे वो? क्योंकि उनकी नई तैयारियां चल रही थी, दे वर गेटिंग रेडी फॉर टू सरिता के घर जाने के लिए। तो अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। सबसे ज्यादा खुश कौन थी? ऑफकोर्स अमित की माताजी। उत्साह माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। पहले मायाराम जी, अमित के पिता, वो थोड़े से अमित के फेवर में थे, उन्हें मीनू पसंद आई थी, धन का लालच नहीं था। पर इतने दिन से माताजी की बातें सुन सुन के, उनके आर्ग्यूमेंट तर्क सुन सुन के, अब पिता भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। अमित की बहन मधु अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि वो पहली बार सरिता को देखने जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड नजर आ रही थी। घर में सभी उत्साहित एक्साइटेड थे, सिर्फ अमित ही ऐसा था कि जिसके चेहरे पर उदासी थी, सैड था। इस कल्पना मात्र से वो उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। अमित उदास क्यों था? अमित को सरिता पसंद नहीं आ रही थी, उसे मीनू कहीं ना कहीं पसंद आ गई थी, उसके स्वभाव उसका पसंद आ गया था, और दूसरी बात उसे लग रहा था कि उसके माता पिता सरिता को ना बल्कि वो 5 लाख रुपए को देख रहे हैं, और उसे दहेज लेके शादी करना उसे पसंद नहीं आ रहा था, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही थी। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर, कपड़े क्लोथ्स न्यू क्लोथ्स पहन के तैयार हो चुके थे, तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। धनी मल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। तो नंबर वन पॉइंट, धनी मल जी ने, बहुत पैसे वाले हैं, अपना ड्राइवर भेजा था, अपनी कार भेजी थी इनके घर पे इनको लेने के लिए, ताकि वो ड्राइवर उन्हें धनी मल जी के घर ले जा सके। मायाराम जी, उनकी पत्नी अमित व बहन मधु सभी उस कार में बैठकर चल दिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। धनी मल जी की कोठी के बाहर कार रुकी, कोठी बंगलों के बाहर। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। तो मायाराम जी को एक अच्छा लग रहा था कि मस्त से कार आई है, हम बैठे हैं और ड्राइवर आके हमारे लिए कार का डोर खोल रहा है। तो अमित के पिता को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें लग रहा था वो बहुत बड़े ऑफिसर है। कोठी का दरवाजा, बंगलों का दरवाजा, डोर खुलते ही जैसे उन लोगों ने अंदर प्रवेश किया, एंट्री किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हो, हेवन जैसा ब्यूटीफुल उनकी कोठी थी, बंगलों। कोठी के बाहर लॉन में, लॉन इट्स ए इंग्लिश वर्ड, लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी, मखमल जैसे, वेलवेट के जैसे, मतलब वो लॉन की खूबसूरती बता रहे हैं। लॉन में बेत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थी, बेत की बैम्बू टाइप कलरफुल चेयर रखे थे। तो उसका बंगलो बता रहे कि बड़ा सा बंगलो है, बाहर लॉन है, उसमें चेयर रखी हुई है, और फूलों के गमले हैं, फूलों के गमले फ्लावर पॉट से, इससे कोठी बंगलों की शोभा में 4 चांद लग रहे थे, 4 चांद लगना और ज्यादा खूबसूरत दिखना। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला, ड्राइंग रूम में धनी मल जी बाहर आए, उन सबका विशेष स्वागत किया गया, विशेष रूप से उनको वेलकम किया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे, तो यहाँ सिर्फ सर्वेंट नहीं थे, बहुत सारे सर्वेंट थे, और वो भी खाकी यूनिफॉर्म में थे, वो लोग भी वर्दी मतलब यूनिफॉर्म में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल और मेवा, ड्राई फ्रूट्स, मेवा ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और मिष्ठान, बहुत सारी मिठाइयां उनके सामने रखी गई थी, परंतु सभी को उत्सुकता थी, एवरीवन वाज एक्साइटेड टू सी सरिता।
आप पिक्चर में देख सकते हैं। सी यहाँ बताया गया है कि धनीमल जी किस तरह पैसे वाले हैं। ये रहे धनीमल जी, सूट बूट में बैठे और यूनिफॉर्म में, खाकी वर्दी में उनके सर्वेंट्स हैं, और बड़ा सा ड्राइंग रूम है। और किस तरह सरिता भी आएगी, हम सरिता की एंट्री देखते हैं। चलिए, मायाराम जी ने कहा कि चलो बाबा, सरिता को बुलाने के लिए कहा, लड़की देख ले। सरिता को कमरे में बुलाया गया, उसके साथ उसकी चाची भी आई। तो सरिता अकेली नहीं आई, उसकी एक आंट चाची भी आई साथ में। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। पैर तले से धरती खिसक जाना, जैसे अचानक से कोई जोर का झटका लगा हो, शॉक्ड हो गया हो, अचंभित हो गया हो, उस तरह से। क्यों उसे ऐसा, क्यों उसके पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई कि उसने जितनी प्रशंसा की जा रही थी, सब लोग जितनी तारीफ कर रहे थे सरिता की, उसे सरिता वैसी खूबसूरत ब्यूटीफुल नहीं लगी। नाक नक्श में सिर्फ उसको आंख ही बड़ी लगी, फीचर्स में उसको सिर्फ उसकी एक आंखें थी जो बड़ी और अच्छी कह सकते हैं, और रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। तो रंग अगेन, स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन वो देख रहा था, तो कहीं ना कहीं हर बार सरिता को मीनू से कंपेयर कर रहा था, तो उसे लगा कि मीनू उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ हमारे सुषमा अग्रवाल जी ने हर कैरेक्टर का जो बाहरी सौंदर्य है, जो मतलब ब्यूटी है, उसको उन्होंने हर जगह बहुत ही बारीकी से, माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है कि किस तरह लोग बाहरी सौंदर्य, ब्यूटिफिकेशन को किस तरह ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी बताया है, और कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश की गई है कि मीनू रूप रंग में, ब्यूटी में, हर तरह से, क्वालिटीज में सरिता से अच्छी थी, फिर भी सरिता को क्यों पसंद किया जा रहा था। एक ही कारण था, दहेज। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बिठाया गया। ओके, माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी, क्योंकि माँ मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी थी, उसे तो सरिता बिना देखे ही पसंद आ गई थी। उसने उस रूप में भी सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि बहन को भी कहीं ना कहीं सरिता पसंद नहीं आ रही थी। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। तूफान उठना, बहुत ज्यादा विचार आने लगे थे उसके मन में। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें? क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे थे। सो मेनी क्वेश्चंस कि माँ को क्या वो ब्यूटीफुल दिख रही है, या पैसों के कारण, मनी के कारण वो ब्यूटीफुल दिख रही है उसे। धनीमल जी व मायाराम जी आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। सब वहां से, वो ड्राइंग रूम में सभी लोग बैठे थे, और सब लोग वहां से चल दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग एक अमित व सरिता को अकेले में बात करने देना चाहते थे, ताकि वो एक दूसरे से बात करके समझ ले। तो अमित व सरिता को एकांत, एकांत मतलब एक अंत मतलब अकेलापन में बातें करने का अवसर दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी है उन लोगों ने उसे, उतना फ्रीडम दिया, या आप कह सकते हो एक मीटिंग जो हो रही थी, तो वो लोग आपस में बात कर ले। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने सरिता से क्या-क्या प्रश्न किए? नंबर 1, आपकी किस चीज में रुचि है, लाइकिंग्स? सरिता ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से जवाब देना मतलब कॉन्फिडेंटली, बेबाक से सरिता ने जवाब दे दिया। जी, मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होगी, अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते हैं, घर में चार चार नौकर हैं, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि ही नहीं, सरिता ने निसंकोच जवाब दे दिया। तो सरिता ने विदाउट एनी हेजिटेट हुए उसने जवाब दे दिया कि मुझे काम वाम नहीं करना है, और मेरे घर में तो चार चार नौकर हैं, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अमित ने पहले भी सरिता को भी पूछा है, और मीनू को भी पूछा था। तो अमित कहीं ना कहीं चाहता था कि उसकी पत्नी घर के कामों में, जॉइंट फैमिली में रहे और घर के कामों में एक इंटरेस्ट ले,
लाइक एवरी हम लोग कहेंगे टिपिकल इंडियन, या हर इंसान को ऐसा लगता है कि घर का काम हर कोई करे, इस तरह के अमित का ये पहले से इंटरेस्ट था कि उसकी होने वाली पत्नी घर के कामों में इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट विशेष रुचि। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेगी, अमित ने पूछा। सरिता ने तपाक से क्विकली बोला, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। तो यहाँ सरिता लिस्ट इंटरेस्टेड थी काम करने में घर का। ये नहीं कहा कि ओके वी विल आई विल ट्राई कि मैं सीख लूंगी, नहीं, शी सेड कि नौकर कर लेगा, पिताजी दे देंगे एक नौकर। उसका यह जवाब सुन अमित बहुत चक्का रह गया, शॉक्ड। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने सेकेंड डिविजन में बीए किया है, बीए पास किया है, सेकेंड डिविजन सेकेंड ग्रेड। तभी उसकी बात चली रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया, सब लोग आ गए अभी कमरे में। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम हुआ, खाए पिए। धानीमल जी के विशेष आग्रह स्पेशल इंसिस्ट किया, ओके खाओ खाओ करके सबको खिलाया पिलाया। धनीमल जी ने अपने पैसे, अपने रुतबा, अपना वो जितने रिच है वो पूरी तरह से दिखाया था उन लोगों को। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था। क्यों? अमित को खाने में इंटरेस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उसे सरिता पसंद नहीं आ रही थी, परंतु विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया, प्रस्थान मतलब लेफ्ट फॉर द होम टू लीव। तो यहाँ हम देखेंगे कि सरिता के पिता धनीमल जी और अमित के पिता मायाराम जी, उनको भी बातें बहुत अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं मायाराम जी पैसों के प्रभाव में आ गए थे। घर पे पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए, ओके अपना ओपिनियन दिया। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में, मुझे तो अच्छी लगी देखने में, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है, क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। तो यहाँ सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रही है माता जी कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्शन उसका थोड़ा अच्छा नहीं है, बट दैट्स ओके, शादी के बाद तो ऐसे ही ग्लो तो आ ही जाता है। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे कि पिताजी आप किसके फेवर में बोल रहे थे, दैट मींस सरिता और धनीमल जी। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें, जहां तक रंग की बात है इस दुनिया में दो ही रंग होते हैं, गोरा या काला, शादी तो सभी की होती है। तो अब पिताजी को ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती है कि लड़की कैसी है, पसंद है कि नहीं, अमित को पसंद है कि नहीं। उन्हें दिख रहे थे 5 लाख रुपए, ओनली टू टाइप्स ऑफ कलर्स आते हैं, गोरे या फेयर स्किन या डार्क स्किन, तो शादी तो सभी की होती है। इस तरह से वो भी अब बातें रखने लगे, अपना पॉइंट रखा। पर पिताजी यह तो कोई जरूरी नहीं कि काली भाभी ही हमारे घर में आए, अमित की बहन मधु ने कहा, दैट मीन्स मधु को सरिता पसंद नहीं आई थी। तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में, पिताजी ने ऐसा कह के किसे डांट दिया, मधु को। मधु कौन? अमित की बहन। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफी उदास था, सैड था, उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही तो ली है, यू ऑल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, तो कर लीजिए, जहां तक मेरी पसंद की बात है मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अमित ने क्लियरली अपने बात रखती थी। बेटे के ये शब्द सुन के मायाराम जी को, अमित के पिता को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है, वी आर फोर्सिंग हिम, कि अपना डिसीजन वी आर फोर्सिंग। एक बार पिता के नाते एज अ फादर उनके हृदय में ये भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, खिलवाड़ टू मेस विथ समवन्स लाइफ, ओके किसी के साथ मतलब किसी की लाइफ का डिसीजन हमको नहीं लेना चाहिए। अभी इस भाव में डूबे ही थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए, कुछ सोचने ही नहीं देती, मायाराम जी की पत्नी पहले ही बोल दी, हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था, सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी, आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे कि बस
हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में, तो वो ऐसे ही माया राम जी को कुछ बोले उसके पहले ही वो बोल दी क्लियरली अपना एक तरफा निर्णय, एक तरफा वन साइडेड डिसीजन उसने दे दिया कि पहले तो ऐसा दिखाते भी नहीं थे, एटलीस्ट आज शादी के पहले हम दिखा तो रहे हैं अमित को सरिता, और दिखाते हैं तो ये देखो लड़के लोग क्या क्या कमियां फॉल्ट्स लेके आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो टॉन्ट कर रही है अमित को। एक मिनट का मौन साइलेंस रखने के बाद उन्होंने फिर आगे बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने माता जी ने, क्या जमाना आ गया है आजकल के लड़के लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए इन लोग के। तो कहीं ना कहीं सबको चुप करा रही है, डांट के टॉन्ट कर रही है, सार्केस्टिक वे में बोल रही है कि आजकल के बच्चे। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा, व्यंग टॉन्ट सार्केस्टिक वे में बोलना। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी, एजुकेटेड यंग मैन होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुप रहे थे, तीर लाइक बो एंड एरो का एरो, जिस तरह से हर्ट होता है उस तरह से उसको हर बात माँ की बुरी लग रही थी, परंतु वह इतना साहस करेज ही उसमें नहीं था कि वो माँ को कुछ कहता, कुछ आर्ग्यू करता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। इन शॉर्ट वह माँ से ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं माया राम जी की पत्नी ने अपना वन साइडेड डिसीजन सुना दिया था। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, यू ऑल अंडरस्टूड दिस। हैप्पी लर्निंग, कीप लिसनिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।